जेलों में अय्याशी, पैसे की चमक दमक और दबंगई का खेल समझना मुश्किल नहीं है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सलाखों के पीछे के वो चेहरे जिनकी मौजूदगी ही जेल की चार दीवारियों में दहशत के तौर पर दर्ज है, जिनका रसूख उनके नाम से चलता है। और इस कड़ी में पहला नाम है क्राइम की दुनिया से सियासत की दुनिया में उतर चुके अतीक अहमद का, जिसे फिलहाल गुजरात जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इस शिफ्टिंग के पीछे की वजह भी जेल के भीतर का वो कांड था जिसने यूपी सरकार को न केवल बैकफुट पर ला दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार के लिए मजबूर भी कर दिया। यूपी के जेल में रहते हुए अतीक का आखिरी कांड बताएं आपको, उससे पहले अतीक पर आरोपों की फहरिस्त बताते हैं। बाहुबली सफेद पोश का काला चिट्ठा, बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप है। प्रयागराज में हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे केस दर्ज, कई कंपनियों को जबरन अपने नाम पर ट्रांसफर करने का आरोप। लखनऊ के जमीन कारोबारी को अगवा करने, देवरिया जेल में पीटने का आरोप है। अतीक पर देवरिया की जेल में रहते हुए जो कांड किया था उसने यूपी सरकार के साथ जेल प्रशासन के चेहरे पर लगा नकाब उतार दिया था। दरअसल अतीक पर आरोप था कि उसने जेल में रहते हुए अपने गुर्गों की मदद से लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर को अगवा किया, देवरिया जेल में बुलाया और उसकी वहां पिटाई की। इस मामले का खुलासा होते हुए प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। सरकार की किरकिरी हुई तो उसने डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां से कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आदेश दिया, साथ ही अतीक को गुजरात जेल भेजने का फरमान भी सुना दिया। मुख्तार अंसारी, सियासत के इस किरदार को भी जेल में रहते हुए लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन अंसारी का रसूख ऐसा है कि जेल प्रशासन के भी पसीने छूट जाते हैं। अभी जनवरी में मोहाली में पंजाब पुलिस मुख्तार को रंगदारी के एक मामले में उठा ले गई। रंगदारी एक प्रॉपर्टी बिल्डर से मांगने की थी। मुख्तार का सिक्का जेल में रहते हुए भी किस कदर चलता है, इसकी बानगी उसकी सियासी पारी से समझी जा सकती है। अब तक मुख्तार 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुका है। मुन्ना बजरंगी, अपराध की दुनिया का वो नाम जिसने उत्तर प्रदेश की पुलिस को खूब छकाया, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी मुन्ना बजरंगी जेल में अपनी ठसक के साथ रहता रहा। हालांकि मुन्ना बजरंगी की कब्र भी जेल बनी। 2018 में जेल के भीतर ही उसे गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया। तब भी जेल प्रशासन को लेकर कई सवाल उठे। बागपत जेल में हुए इस कांड ने समूची कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यूपी की जेलों में अय्याशी से लेकर हत्या तक की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जेलों में प्रशासन किस तर्ज पर काम करता रहा है, और काम करने के इन्हीं तरीकों से उस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा।